यहाँ से गुजरते वक्त कह रहे हैं चाय वृक्ष चाय ना, तो जब वो चाय पी के जाते थे तो वो एक चीज ये कह जाए के अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम बिल्कुल एक खैरियत से, और उम्मीद हमारे ब्लॉग्स आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि कुछ चेंजेस हमारे जो है ब्लॉग्स में आ रही हैं। मींस के हाउस ब्लॉग्स थोड़े कम हो गए हैं और ज़्यादातर बाहर के ब्लॉग्स बन रहे हैं, क्योंकि ये सब इस वजह से किया है मैंने कि आप लोग हम लोगों से जो है फेडअप नहीं हो जाए। तो आज का भी कुछ ऐसा ही कंटेंट है। हुआ ये गाइस कि हम लोग जो है इस रूट से गुजर रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी इस रक्षा टाइप पर, तो मैंने फरहान से कहा यार चाय की बहुत तलब हो रही है तो ज़रा ना चाय ट्राई करते हैं। तो आज का हमारा कंटेंट है रक्षा चाय। हमारा मकसद ये कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कराची वालों के जो है दिमागों में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि जो है जो कोयटा की जो चाय होती, मीन्स के जो कोयटा के पठान होते हैं जो चाय बनाते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो घर में भी नहीं मिलता। खैर वो तो मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि रक्षे में चाय बनाना। मेरे अंदर भी अभी यही सवाल अभी भी चल रहा है कि यार मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये किस तरीके से बनाया गया होगा। तो अभी फरहान जो है इस रक्षा वाले चाय के ऑनर से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे तो आप लोगों को शेयर किया जाएगा। फिलहाल तो मैंने चाय ऑर्डर की हुई और इन्होंने चाय गिरा दी है नीचे, ये देख सकते हैं। ये वो थोड़ा सा टेबल हिल गया था मुझे। नहीं, मैंने एक गुट चाय पी है, वो भी मेरे जो है ना वीडियो बनाते बनाते हुई निकल गई थी। मैंने तो पूरी पी ली, मुझे तो बड़ा मजा आया चाय का। तो गाइस कुछ और लोग भी बैठे हैं, हम लोग उनसे भी रिव्यूज लेंगे, पता चलेगा कि यहाँ की चाय का जो टेस्ट है वो कैसा है। मुझे तो बहुत मजे का है क्योंकि मैंने जो है अपने लिए पर्सनली स्ट्रॉन्ग चाय बनवाई थी, क्योंकि मुझसे मीठी चाय पी जाती है। आप लोगों को पता है मैं डाइट पर चल रही हूँ। टेस्ट कर ली और मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ के जो रक्षा चाय के ऑनर है उनसे बात कराता हूँ। उमर भाई आप बताएंगे ये जो आपने रक्षा चाय खोला हुआ है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब हम लोग तो ज़्यादातर होटलों में जाके चाय पीते हैं, पठान की चाय पीते हैं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टोरी होती है तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो ये असल में एक डिफरेंट चीज़ थी कि रक्षे में चाय खोलना, क्योंकि अभी आजकल कहीं पे देखो ना कि रक्षे में हर चीज़ खुला होता है, कहीं पे बर्गर, कहीं पे फ्राइड, कहीं पे। तो हमने ये चीज़ सोचा था कि हमने रक्षे में चाय खोलना। तो शुरू में तो खैर कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहरहाल जैसे हमने चाय वगैरह खोली इसमें तो लोग यहाँ से गुजरते वक्त कह रहे थे चाय रक्षा चाय ना, तो जब वो चाय पी के जाते थे तो वो एक चीज़ ये के जाते थे कि आप सादा चाय दे दो। हम कहते थे इसमें सादा नहीं होता है, दूधपत्ती होती है। जब रक्षा चाय खोले तो इसमें दूधपत्ती, अच्छी चीज़ पिलाने, सही है ना, कम रेट पे पिलाने, अच्छी चीज़ सही है ना, ताकि लोग भी खुश हो जाए। और दूसरी बात ये है कि महफिल यहाँ पे रात को जो महफिलें लगी होती है बड़ी अच्छी लगी होती है। फैमिली के जगह भी है हमारे पास, यहाँ पे फैमिली भी बैठी होती है। ये वाली जो जगह है ये फैमिली की, और यहाँ पर लाइटिंग भी होती है, तो अभी लाइटिंग वगैरह नहीं हुई, हम लोग ऐसे ही आ गए थे। हाँ, लाइटिंग क्योंकि यहाँ पर जो है ना पूरा प्लान होता था, हम लोग ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे, आपको बताया था। तो यहाँ पर फैमिली की जगह, वो सामने जो है वो सारे गैदरिंग और लड़के वगैरह बैठते हैं वो सामने, वहाँ पर भी लाइटिंग लगी होती है। जी बिल्कुल। बाकी उमर भाई कितना टाइम हो गया अभी आपने ओपन किया? यहाँ पे मैक्सिमम 5 से 6 महीने हो गया हमारे। 5 से 6 महीने, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपको? बस अल्लाह का शुक्र है कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कहते हैं कि आप मांगो तो बेशक मैं दूंगा। आप रिस्पॉन्स तो ये आ रहा है कि जब लोग पी के जाते हैं तो दोबारा भी आता है कि वाकई चाय आप अच्छी बना के देते हो। चाय ऐसे तैयार की जा रही है, अंकल चाय बना रहे हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी चाय, और इसमें जो ना स्पेशल जो चाय होती है ना वो मटका चाय होती है। सर्दियों के मौसम में लोग बैठे होते हैं, आग जलाई होती है और मटके में चाय, तो बर्फबारी वाला सीन, मटके में चाय होती है। और हाँ, बाकी जो है ना चाय में हमारे पास कश्मीरी चाय होती है, मटका चाय होती है, ग्रीन टी होती है, सही है ना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर अगर आप चाय पियेंगे ना तो हर किस्म की वैरायटीज के पराठे मिलेंगे। बिल्कुल, उमर भाई बता रहे हैं वो कौन कौन से पराठे यहाँ पर आपको मिलेंगे। बिल्कुल, पराठे में हमारे पास चिकन चीज़ पराठा होता है, आलू चीज़ पराठा होता है, अरबी पराठा होता है, और अंडे वाला पराठा होता है, सादा पराठा होता है, सही। और इसमें नोटेला पराठे भी होते हैं। जिस आजकल क्या टाइमिंग चल रही है सूरत हाल? तो अभी सर्दियों में तो ये होता है कि सर्दियों में हम लोग रात को 3-4 बजे तक खुले होते हैं। जगह
का एड्रेस वगैरह भी आप बताएं उमर भाई, किस जगह पर है ये नुमाइश? नुमाइश सोजल बाजार, सोल्जा बाजार दो नंबर पे खजानुल इरफान मस्जिद है, इसके बराबर में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये पूरा सेटअप लगा हुआ है पार्क के साथ ही लगा हुआ है। हाँ, पीछे निश्ता पार्क है, मशहूर पार्क है सोल्जा बाजार के अंदर, उसके बिल्कुल बैक साइड कहलाता है ये इसका। तो आप लोगों को ज़रूर आना है, यहाँ की चाय भी पीनी है और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट जो जो बताएं वो भी आप ट्राई करें। क्या कॉन्सेप्ट था और मेरा भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और बाकी गाइज जो सबके दिमागों में बैठा हुआ है ना कि होटल में जो है आपको वो टेस्ट मिलता है, मतलब कोयटा वाला, तो वो टेस्ट मैंने यहाँ पे ट्राई किया, मुझे तो बहुत मज़े का लगा। क्योंकि आपको पता है कि कराची में जो है ना टोटल ज़्यादातर जो है चाय लवर्स हैं, तो मैं भी उसी में से एक हूँ, मुझे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे पब्लिक रिव्यूज़ भी लेंगे, देखिए कि लोगों के यहाँ पे क्या रिव्यूज़ हैं। यहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये चाय वगैरह आप लोग पीते होंगे यहाँ पे, मज़ा आता है। मतलब एक पठान की चाय पीते हैं ना हम लोग, कोयटा की चाय, उससे अच्छा स्पेशल टेस्ट मिलता है आपको। जैसे एक पठान की चाय होती है वैसी टेस्ट, मगर मज़ा आता है पीने का। देखिए चाय कराची में बैठने के बाद चाय पीने के होटल में आप आते हैं तो पठान का टेस्ट देखने के लिए आते हैं, आप भी गैदरिंग बनाने। बिल्कुल सही बात है, ये एनवायरमेंट भी देखा जाता है कि लाइटें वगैरह लगी हुई है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा पसंद करती है यहाँ पर आने के लिए। आ जाते हैं यार, फारिग वक्त मिलता है, आके बैठ जाते हैं। चलो अच्छा है, तो अच्छा लगा आप लोगों से बात हो गई। थैंक यू। तो ये मतलब अच्छा है यहाँ पर रिव्यू, अच्छा आपका बेहतरीन है। तो गाइज उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये रक्षा चाय का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और काफ़ी लोगों का जो दिल भी कर रहा होगा कि चाय के जो लवर्स होंगे तो उनका दिल चाह रहा होगा कि बस अभी बस हम लोग आ जाएँ और यहाँ की चाय जो है ट्राई कर लें। मैंने तो यार ट्राई करी है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इस रक्षा चाय को जो चाय पी के मज़ा आ गया मुझे। कैमरा क्यों हिला रहे हो यार? तो गाइस मैंने इस चाय को ट्राई किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा कि बस दिमाग के सारे जो है ना वो क्या स्क्रू ठीक हो गए बिल्कुल, मतलब ऐसी थी चाय। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, नहीं आया तो यार प्लीज़ पसंद करने की कोशिश करें, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस जिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, वो फ्री है, तो अभी जाके फौरन सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाया करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको इजीली मिल सके। तो मुझे दें इजाज़त, और उम्मीद तो मुझे भी इजाज़त दो ना, आपको इजाज़त मुझे दे, तो हम दोनों को दें इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग। गाइस उम्मीद तो यही है कि नेक्स्ट व्लॉग भी कुछ ऐसे ही झटपटा या मज़े का होगा, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।